पिछली बार तो तुम मथुरा में बच गए थे, किंतु इस बार तुम्हारी चिता मैं अपने इन हाथों से सजाऊंगा। कृष्ण! आया था नरकासुर को मिटाने, खुद ही मिट गया। कृष्ण उठो, कृष्ण! आज से तुम मेरे महल में मेरी दासी बनकर रहोगी। कृष्ण उठो, कृष्ण! शव कभी नहीं जागते, समझे? तो योद्धा की भांति बिना किसी सहयोग एवं सहारे के युद्ध कराकर कभी बलराम को लेकर आता है तो कभी मुचकुंड का सहारा लेता है, और आज तूने अपनी पत्नी का सहारा लिया है। मृत्यु का नाटक करता है तू? नहीं नरकासुर, यह नाटक नहीं था। कदाचित तुम ये भूल गए हो कि शक्ति अस्त्र से एक व्यक्ति पर केवल एक ही बार प्रहार किया जा सकता है, और तुमने मुझ पर मथुरा में इस शक्ति अस्त्र से प्रहार किया था। मैं शक्ति का सम्मान करता हूं, इसीलिए मैंने इस शक्ति अस्त्र को अपने वक्ष को छूने दिया, और इसमें तुम्हारे शौर्य का परिचय नहीं है। सृष्टि में मेरी मृत्यु का कारण कोई नहीं बन सकता। क्रश, मुझे ज्ञात है, तुम्हें वरदान मिला है कि तुम्हारी मृत्यु केवल तुम्हारी माँ के हाथों ही हो सकती है। इसीलिए तो मैं अमर हूँ, मेरी माँ तो जीवित नहीं है। अपने नेत्रों से ये भ्रम हटाओ और सत्यभामा को देखो। सतयुग में मैं जब वराह अवतार में आया था, उस समय तुम्हारी मां भूमि मेरी संगिनी थी। वही भूमि इस जन्म में सत्यभामा के रूप में मेरी पत्नी है। माते, मुझे क्षमा कर दे और मुझे आशीर्वाद दे कि मुझे सद्गति प्राप्त हो।
हाँ माते। सब स्वतंत्र हैं, बाहर चलिए और स्वतंत्रता की श्वास लीजिए। ये तो बताइए कि इस नरक से मुक्ति के पश्चात हम लोग जाएंगे कहां? कौन करेगा हमें स्वीकार? आप सब किसी भी प्रकार की चिंता ना करें, आप सबका दायित्व मैं लेता, आप सबकी सुरक्षा और जीवन यापन के प्रबंध मैं करूंगा और आप सब द्वारका में सम्मानपूर्वक सुरक्षित निवास करेंगे। धन्य हैं आप हमारा उद्धार करने के लिए। स्वागत है आप दोनों वीर योद्धाओं का। माखन मिश्री, माखन मिश्री तो मुझे प्रिय है ही और तुम्हारे हाथों से पाकर और भी रुचिकर हो गई है। मैया भी यहां होती तो उनके हाथों से खा रहे होते खाना। भाभी श्री, मैया के हाथों के खाने का स्वाद तो अलौकिक होता है क्योंकि उसमें ममता होती है और पटरानी के हाथों से खाने का आनंद पृथक होता है क्योंकि उसमें विशेष स्नेह होता है। युद्ध की सारी शिथिलता चली गई। आओ कृतवर्मा, हम राजकीय कार्य संभालते हैं, आज कृष्ण को अवकाश देते हैं। मक्खन मिश्री से मुख मधुर हो सकता। जिह्व्य का स्वाद कुछ क्षण तक सुख दे सकता है परंतु प्रेम रस तो आत्मविभोर कर देता है और वो तो अपने प्रिय के संग में ही है। आरती उतारने से तिलक लगाने से कर्तव्य भाव आता, प्रेम का सच्चर्य और मधुर्य नहीं। अपने प्राणों से भी प्रिय के लिए प्राण त्याग देने की भावना नहीं। मैं अपने कृष्ण के अशुभ को मिटाने के लिए प्रेम पूर्वक उनके तोल के बराबर स्वर्ण मुद्राएं निर्धनों में बांटूं। इस
इससे नरकासुर पर विजय उत्सव भी मनेगा, मेरे कृष्ण के प्रति प्रेम की अतुल्यता भी सिद्ध हो। अशुभ को मिटाने के लिए प्रेम पूर्वक उनके तोल के बराबर स्वर्ण मुद्राएं निर्धनों में बांटूं। ये तो मेरा सौभाग्य कि मैं जिन्हें इतना प्रेम करती हूं वो आप जैसी स्त्री के प्रेम के पात्र हैं। प्रणाम मुनिवर, कहिए किस हेतु आना हुआ? नारायण नारायण प्रभु, समस्त देवताओं ने उनका मान पुण्य स्थापित करने के लिए अपना आभार प्रकट किया है और हमें उन्होंने अपना प्रतिनिधि बनाकर आपके समक्ष भेजा है। प्रभु उनका आभार स्वीकार कीजिए। महामुनि, मैं तो निमित्त मात्र था, सत्य तो ये है कि नरकासुर के उद्धार का समय आ गया था, वो तो होना ही था। नारायण नारायण प्रभु, धन्य आप प्रभु, धन्य धन्य आपकी लीला। आपने महाअदिति के कर्ण फूलों को लाकर अत्यंत सुंदर कार्य किया है, वे इसे पाकर अति प्रसन्न होंगी। प्रभु मुझे ज्ञात है मुनिवर, पारिवारिक दायित्व को पूर्ण करने के पश्चात मुझे माँ अदिति के चरणों में उपस्थित रहना है और उनके धरोहर को सम्मान पूर्वक उन्हें लौटाना है। प्रभु हम भी आपके लिए एक भेंट लेकर आए, कृपा करके इसे स्वीकार कीजिए। प्रभु जैसा कि आपको ज्ञात है ये परिजात पुष्प है जो इंद्रलोक की शोभा बढ़ाता है और समुद्र मंथन के समय पाए जाने वाले 14 रत्नों में से एक है। प्रभु इसकी सुगंध आपको पृथ्वी लोक पर भी आनंदित रखेगी, कृपा करके प्रभु कृपा करके इसे स्वीकार कीजिए और हमारा उद्धार कीजिए। प्रभु हमारा उद्धार कीजिए। कान्हा इतना भारी तो नहीं लगता, सत्यभामा ने स्वयं के सारे कोष इसमें डाल दिए। नहीं नानाश्री, अभी और भी बहुत कुछ है। सत्यभामा, स्वर्ण और रत्न दोनों कम पड़ गए काना को तोलने के लिए? नहीं भाभी जी, अभी और भी है। माधुरी मेरे कक्ष में जाके सारे आभूषण लेकर आओ। क्या तुम्हें विश्वास है शेष आभूषणों को रखने से कृष्ण के भार के बराबर दान योग्य वैभव हो जाएगा? अभी तक तो कृष्ण का पलड़ा धरती से तनिक भी ऊपर नहीं उठा।
पुत्री सत्यभामा, जितना है उतना ही दान कर दो। नहीं नानाश्री, यदि सत्यभामा ने वचन दिया है तो वह वचन बाध्यता रुक्मणी के लिए भी होगी। रुक्मणी, सत्यभामा का सहयोग करोगी? यह प्रेम परीक्षा है। पुत्री रुक्मणी, आगे बढ़ो और अपना वचन पूर्ण करो। ये तो जस का तस है, कहीं कान्हा की कोई लीला तो नहीं? ना, लीला तो नहीं लग रही। अब देखते हैं रानी रुक्मणी क्या करेंगी। तुम धन्य हो रुक्मणी, प्रेम के वश में डूबा हुआ वृंदा की एक पत्ती भी पूरे ब्रह्मांड को हिला दे। रुक्मणी, ये परिजात पुष्प मेरी ओर से तुम्हारे लिए भेंट है, इसे स्वीकार करो। सत्यभामा, अब मुझे देवलोक के लिए प्रस्थान करना चाहिए। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो तुम भी मेरे साथ आ सकती हो। वहां देवलोक में तुम जितने चाहे उतने परिजात पुष्प ले सकती हो। वहां इसके कई वृक्ष हैं। आपको विश्वास है कि मुझे मेरे इच्छा जितने परिजात पुष्प मिलेंगे? अवश्य, माँ अदिति के कर्ण फूलों को लौटाने में तुमने इतनी सहायता जो की है, देवगण तुम्हारे लिए इतना तो काम कर ही सकते हैं। तुम वहां जाके माँ अदिति से भेंट भी कर लोगी, वो तो तुम्हारी पूर्वज है। अब प्रस्थान भी करोगी या यूं ही यहीं बैठी रहोगी? The
प्रेम हृदय से बहने वाली सबसे पवित्र भावना होती है। इसका संबंध ना तो किसी अपेक्षा से होता है और ना ही किसी आशा से, ये तो पूर्ण समर्पण है। जहां अन्य का भाव मिट जाता है, साथ ही मैं का भाव भी मिट जाता है, वहां प्रेम ही ईश्वर बन जाता है।